अगर आपको ड्रीम इलेवन में इस तरीके से लिखा हुआ आता है, यहाँ पर जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से यही शो कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर डाला, रजिस्टर पर क्लिक किया, रजिस्टर हो नहीं रहा, मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल रहे हो ऑलरेडी ड्रीम इलेवन पर उसका अकाउंट बन चुका है, ठीक है। आपने कभी ना कभी किसी किसी सिचुएशन में बना लिया होगा। आप काफ़ी सारी वेबसाइट जो है ड्रीम इलेवन को प्रमोट करती है और आपसे जो है मतलब ज़बरदस्ती अकाउंट वहाँ पर बना लिया जाता है। काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका अकाउंट जो है बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गई या फिर ड्रीम इलेवन की जो एड्स वगैरह होती है उसके थ्रू बन जाता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये नंबर है तो ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है। सबसे पहले तो आप नंबर चेक कीजिए, सही नंबर आपने लगाया है, आपका ही ये नंबर है, ठीक है, ऐसा लगता है आपका ही नंबर है। देन आपको लॉगिन पर चले जाना है, यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को आपको डाल देना है। नेक्स्ट आपको जो है आपका पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरीके से अपने नंबर को डाल देता हूँ एंड यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी आएगा उस नंबर पर, अगर आपके पास वो नंबर है तो उसे यहाँ पर आप ओटीपी डालेंगे एंड आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रोसेस रहता है, उम्मीद आप समझ गए होंगे।